अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अहमद फ्रॉम स्काई रियल्टीज बहरिया टाउन लाहौर। जी आज जिस मैं लाइव साइट पे मौजूद हूँ, आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं, बहरिया स्काई की लाइव कंस्ट्रक्शन के बारे में मैं आपको आगाही देना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त उसकी क्या डेवलपमेंट स्टेटस है, किस कदर कंस्ट्रक्ट हो चुका है, कितनी स्पीडी कंस्ट्रक्शन है और कितनी देर तक वो अपना जो प्रोजेक्ट है वो हैंड ओवर कर देंगे। अगर मैं इसके एक्सेस के बारे में आपको बताता चलूँ तो बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ फोर के अंदर, जो कि आने वाले वक्त के अंदर कमर्शियल हब बनने जा रहा है, मेन राइवन रोड के ऊपर ये लोकेट करता है। इसकी फेसिंग जो है मेन बुलीवार्ड जो कि फेज़ फोर बहरिया ऑर्चर्ड की है 160 फीट के साथ, उसके ऊपर लोकेट करती है। आप अड्डा प्लॉट से 5 मिनट के अंदर इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक राइवन यहाँ से 3 से 4 मिनट की मुसाफत पर है। आप एयरपोर्ट को आप ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, आप मोटरवे को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोजेक्ट बिल्कुल मुनासिब है। अगर मैं इसके अमेनिटीज़ के बारे में बताता चलूँ तो 30+ अमेनिटीज़ हैं, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की अमेनिटीज़ इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई हैं, जिसमें एक्सीलेटर्स, एलिवेटर्स, प्ले एरिया, उसके बाद जिम, सोना, स्विमिंग पूल, ऑल एंड एवरीथिंग जो कि इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको डिलीवर की जाएंगी। आइए, जो इसका इस वक्त टॉप फ्लोर चल रहा है आपको उस पर लेके चलते हैं और इसका जो करंट डेवलपमेंट स्टेटस है आपको वो चेक करवाते हैं। अगर बात करें इस वक्त इसकी करंट डेवलपमेंट स्टेटस की, तो आप मेरी बैक साइड पर देख सकते हैं 7th जो फ्लोर है उसके लेंटर का काम जारी है। इस वक्त मैं 6th फ्लोर के ऊपर खड़ा हूँ। विद इन 6 मंथ के अंदर, 6 महीने पहले आज से इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग हुई थी और उस सेरेमनी में हम मौजूद थे। सबसे पहले बहरिया टाउन के अंदर अगर कहें कि कोई लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन लेके आए हैं, तो बहरिया स्काई वाले लेके आए हैं। बैक साइड पे आप मेरे टावर क्रेन देख सकते हैं, ये वहाँ पे यूज़ होती है जहाँ पे आप कहें कि सबसे स्पीडी कंस्ट्रक्शन करनी हो। एक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इसकी अच्छी लोकेलिटी है। इसके बिल्कुल बैक साइड पे आपको ऑर्चर्ड माल देखने को मिलता है। इसकी जो फ्रंट जो फेसिंग है 160 फुट रोड के ऊपर है और बिल्कुल इसके सामने फेसिंग पे आपको टाइम्स स्क्वायर मॉल देखने को मिलता है, जो कि पूरी कंस्ट्रक्ट है। इसके राइट साइड पे आपको अरेबियन 99 मॉल मिलता है और इसकी लेफ्ट साइड पे आपको SQ मॉल मिलता है, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक अच्छी लोकेलिटी के अंदर अगर आप कहें कि कोई प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहे हैं, तो ओजी डेवलपर बहरिया स्काई प्रोजेक्ट ही डिलीवर कर रहे हैं। अगर इसमें मैं कैटेगरी की बात करता हूं, तो ग्राउंड फ्लोर से लेकर 5th फ्लोर तक आपको डेडिकेटेड कमर्शियल मिलता है, जहां पे आपको 4th फ्लोर तक आपको डिफरेंट ब्रांड्स देखने को मिलेंगे। 5th फ्लोर जो फुली डेडिकेटेड किया गया है वो फूड कोर्ट के लिए किया गया है। किसी भी अगर कमर्शियल में आप देख लें कोई भी एक्टिविटी, जैसे कि आप निशात वालों का एम्पोरियम मॉल देख लेते हैं, उसमें भी सबसे जो हाईएस्ट फ्लोर है उसके ऊपर आपको फूड कोर्ट देखने को ही मिलता है। तो इसमें भी जो जितने भी रेजिडेंट होंगे उनके लिए एक अच्छा कहें कि एक पॉइंट है कि 5th फ्लोर के ऊपर एक पूरा फूड कोर्ट का इन्होंने पॉइंट दिया है। 6th फ्लोर से लेकर 16th फ्लोर तक आपको डेडिकेटेड अपार्टमेंट्स मिलते हैं, जिसमें स्टूडियो अपार्टमेंट्स, 1 बेड अपार्टमेंट्स, 2 बेड अपार्टमेंट्स और 3 बेड अपार्टमेंट, जिसका फिल वक्त अगर कहें कि बहरिया टाउन के अंदर सबसे कम पर स्क्वायर फीट चल रहा है, तो बहरिया स्काई का ही चल रहा है। 15,000 पर स्क्वायर फीट रेट है इसका। जब स्टार्ट किया था बहुत कम था, जैसे जैसे इसकी स्पीडी डेवलपमेंट होती जा रही है इसका रेट इंक्रीज करता जा रहा है। अगर मैं इस वक्त इसके 6th फ्लोर पे खड़ा हूँ और 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट है, तो आप खुद ही हिसाब लगाएं कि जब इसका जो डेवलपमेंट स्टेटस है इससे ऊपर जाएगा, तो इसका रेट और भी बढ़ेगा और ये 25,000 से 30,000 पर स्क्वायर फीट जाने के इसके चांसेस जरूर होंगे। जब भी बात हो किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की या वहाँ पे रिहाइश पजीर होने की, तो सबसे अगर कोई मेनली चीज़ देखी जाती है तो वो उस डेवलपर की हिस्ट्री देखी जाती है। इसको जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ओजी डेवलपर्स हैं, जो कि बहरिया टाउन के अंदर एक अच्छी हिस्ट्री क्रिएट कर चुके हैं। बहरिया टाउन के अंदर बहुत ही इनकी नंबरस जो बिल्डिंग्स है वो डिलीवर कर चुके हैं। वो 5 मरला 8 मरला पे डेडिकेटेड थी, वो अपनी हिस्ट्री में ये काउंट नहीं करते। इस वक्त अगर ये किसी को अपनी हिस्ट्री में काउंट करते हैं, वो तो ये बहरिया स्काई है। बहरिया स्काई इस वक्त बहरिया टाउन की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बनने जा रही है, और इसके बाद इसका जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है वो है लाहौर स्काई, जो कि पूरे लाहौर तो क्या पूरे पंजाब के अंदर सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग होगी, जो कि फिरोजपुर रोड पर लोकेट करती है। तो डेवलपर की हिस्ट्री इस तरह से है कि ये अपना जो प्रोजेक्ट है वो टाइमली डिलीवर करने की हैसियत रखते हैं। जब भी किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी हो, तो उसकी हिस्ट्री लाजमी देखा करें। जो डेवलपर हैं वही इस चीज़ को किरदार अदा कर सकते हैं कि उस प्रोजेक्ट को इन्होंने मंथ में डिलीवर करना है या सालों में डिलीवर करना है। तो ओजी डेवलपर की हिस्ट्री इस हिसाब से बहुत ही बेस्ट है। तो यही टाइम है अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने का। बहरिया स्काई में किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए या बुकिंग के लिए स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर पर आप ज़रूर रब्ता करें। हमसे जिस कदर हो सका हम आपके सवालों का ज़रूर जवाब देंगे। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।